हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने देखिए आपको बताया था ये चैप्टर फोर्थ चल रहा है, जूलॉजी में चैप्टर वन चल रहा है, ठीक है, एनिमल किंगडम। उसमें हमने आपको पॉलीफेरा बता दिया था, सिलेंट्रेटास बता दिया था, ठीक है। आज हम आपको डिस्कस कराएंगे क्या है फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स, ठीक। प्लैटीहेलमिंथ्स के बारे में हमने आपको पहले लास्ट क्लास में हमने बता दिया था। प्लैटीहेलमिंथ्स क्या होता है, प्लैटी का मतलब क्या होता है, जो फ्लैट होते हैं, ठीक है, मीन्स चपटे, ठीक। और वॉर्मिस का मतलब क्या होता है, वॉर्म होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जंतु या एनिमल्स जो चपटे होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, जनरल कैरेक्टर्स में देखिए दिया हुआ है, पहला पॉइंट ये हुआ है, द फाइलम कंप्राइज द फ्लैट फॉर्म मोस्टली पैरासाइट्स, ठीक। इस फाइलम से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स होते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो पैरासाइट कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉडी ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो बॉडी है एनिमल की वो कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। मीन्स हमने पहले बताया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जो जर्म लेयर होती है वो तीन भागों में मिलकर बनी होती है, ठीक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक। अगर ये तीन भागों से मिलकर जर्म लेयर बन रही है तो क्या कहलाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाती है, ठीक। अगर दो है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ओके। बायलैटरली सिमेट्रिकल असिमेट्रिक, ठीक, मतलब क्या है, ये बायलैटरली होती है और सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, अरीय सममिति, मतलब हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी एनिमल है उसको अगर हम कट करें तो वो बराबर भागों में कट हो जाए, तो वो सिमेट्रिकल कहलाता है या अरीय कहलाता है। असिलोमेट का मतलब क्या होता है, जिसकी सिलो मतलब होता है देह हुआ, है ना, असिलो मतलब क्या होता है, देह हुआ, और ये असिलोमेट है, इसमें जो वास्तविक देह हुआ होती है वो क्या होती है, एबसेंट होती है, ठीक है, मतलब नहीं पाई जाती है, एबसेंट रहती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सेगमेंटेड एंड अनसेगमेंटेड, क्या है, ये सेगमेंटेड भी होती है और अनसेगमेंटेड भी होती है, मतलब इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सेगमेंट के रूप में होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अनसेगमेंट होते हैं, मतलब उनका विभाजन नहीं हुआ होता, ठीक। जैसे हमारी ये बॉडी है फेसियोला, ये अनसेगमेंटेड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें तो टीनिया सोलियम में क्या होती है, जैसे केचुआ होता है सेगमेंटेड होता है, इसी तरीके से टीनिया सोलियम जो है एक एनिमल है, वो उसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, मतलब कई भागों में बटी हुई होती है, ठीक है, उसमें सेगमेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डाइजेस्टिव एक्सपिरेटरी नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट। इसमें जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एक्सपिरेटरी सिस्टम हो, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, एक्सक्रेशन भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है ना, और डाइजेस्ट किसी भी चीज़ का डाइजेशन भी आसानी से कर सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर फ्लेम सेल्स। इसमें जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन या उत्सर्जी जो अंग होता है वो फ्लेम सेल होती है, ठीक है, मीन्स ज्वाला कोशिका, ठीक है, ज्वाला के समान इसमें सेल्स बनी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं सेल्स के जरिए वो क्या करता है, जो भी उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है, एक्सक्रेटरी थिंग्स होती है, वो सब चीज़ें क्या करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है, मीन्स बाहर निकालने का काम करता है, ओके। नेक्स्ट हमारा है, सदर्स हुक्स स्पाइंस आर फाउंड इन पैरासाइट्स। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इसके जंतु हैं, एनिमल्स हैं, जिसमें सकर मीन्स क्या है, उसको चूसने जो चूसक अंग होते हैं, ठीक है, सकर्स ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया है ओरल सकर, ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या करता है, शरीर में रहकर किसी भी दूसरे के शरीर में रहकर वो क्या करता है, उससे शक करने का काम करता है, ठीक है। हुक्स मीन्स और स्पाइन, कांटे के समान संरचनाएँ होती हैं, जो कि उसको किसी भी एनिमल से या पैरासाइट जो होस्ट से चिपकने में सहायता करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन इज एनारोबिक। हमने रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि रेस्पिरेशन टू टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो जो प्लैटीहेलमिंथ्स
के एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसा पाया जाता है, एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल देखिए है जैसे लीवर फ्लू, टेपवर्म, प्लेनेरिया, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल। ओके, अब ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है फेसियोला, फेसियोला हिपेटिका, ठीक इसका नाम है। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या है, माउथ है, ठीक है। और ओरल सगर हमने बताया है कि ओरल सगर क्या करता है, वो किसी चीज से चिपक कर, किसी भी होस से चिपक कर वो क्या करता है, उसके ब्लड को शक करने का काम करता है, चूसने का काम करता है, ठीक। ये पूरी बॉडी है जिसे हेड लोब कहते हैं। ये हमारा वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल सगर, मीन्स जो वेंट्रल हमने आपको डॉर्सल और वेंट्रल बताया था, वेंट्रल मतलब नीचे का पार्ट और डॉर्सल मीन्स ऊपर का पार्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा है ये इंटेस्टाइन है, इस आंत जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी आंत है। ये हमारा क्या है, यूटरस विद एग्स, यूटरस पाया जाता है जो कि उसमें अंडे जो एग्स होते हैं वो भी उसमें विद्यमान रहते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद ये सेल ग्लैंड्स है, ठीक है, जो सेल है होल होता है वो ग्लैंड्स यहाँ पास पाए जाते हैं। इसके बाद ये हमारा है पोस्टीरियर यॉर्क टक, ठीक है, ये क्या है, यॉर्क का निर्माण यहाँ पास होता है जो कि पोस्टीरियर यॉर्क टक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पास क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। ये एंटीरियर टेस्टिस है और ये पैरल, ठीक। इस तरीके से ये हमारा क्या है, फेसियोला का डायग्राम है, फेसियोला हिपेटिका बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको डिस्कस कराया किया क्या, फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स, ठीक है। इसके पहले भी हमने प्लैटीहेलमिंथ्स के बारे में कुछ बताया थी, इसकी जो स्पीसीज थी लगभग 20,000 स्पीसीज ज्ञात थी, ठीक है। ये फ्लैट क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताया था, ठीक। तो ये आज का टॉपिक था, अगर कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके।